नमस्कार, साई नमो नमो आपका स्वागत है। मैं वो गणेश चिल्का, देखते रहिए रोजाना साई नमो नमो न्यूज़ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको बेहतर से बेहतर न्यूज़ हम दिखा सके। जय हिंद मित्र मंडल, पद्मनगर B1T द्वारा शहीद सेना के जवानों को नम आंखों से भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। अखिल पद्मश्री समाज हॉल पद्मनगर के बाहर रोड पर रविवार को शाम को किए सेना के सपूत लोगों को दी गई श्रद्धांजलि सभा में आतंकी सरगना अजहर मसूद का पुतला को चप्पलों से मारकर उसे फांसी देकर लटका के उसे आग से जलाया गया है। शहीद सेना के जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा में B1T भाजपा अध्यक्ष संतोष शेट्टी, नगर सेवक सुमित पाटिल, अखिल पद्मशाली समाज के अध्यक्ष वेमुल नरसैया, उपाध्यक्ष पुट्टभद्र रामकृष्णा, राजू गाजंगी, कुंदन पुरुषोत्तम, डॉक्टर मनोहर पामू, निष्काम भैरी, किशन कल्याणप, उद्योगपति वीरेंद्र सेठ व आदि मान्यवर शामिल हुए हैं और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाकर घोषणाएं भी दी है। जय हिंद मित्र मंडल के अध्यक्ष मोहन कोंडा ने यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया है, शहीद सेना के जवानों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि दी है और साई नमो नमो से बातचीत भी किए है। आइए देखते हैं। दोस्तों और साथियों, पूरी विश्व देख रहा है आज जो हमारे जवानों का बलिदान हुआ है। हमने कारगिल को देखा है, मुंबई की एटाक देखा है, हैदराबाद को देखा है, पार्लियामेंट पे देखा है। तो हमने भारत सरकार से मेरी विनंती है, नरेंद्र मोदी से विनंती है, जल सेना, वायु सेना और नौसेना को एक बार आवाज से ऑर्डर दे दो, विश्व के चित्र में पाकिस्तान के नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। मैं यही बोल रहा हूँ सभी लोगों को कि इकट्ठा रहो और सब साथ में मिलकर इस क्षण का मुकाबला करो। हमारे जो जवान है उनके परिवारों को हमको साथ देना है। तुम लोगों ने जो हरकत की है वो हरकत का करारा जवाब पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी देंगे, हमसे आशा व्यक्त करते हैं। और आने वाले समय में जैसे दो दिन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, उनका व्यापार, उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनसे जो भी रिश्ता है वो तोड़ने की पूरी सहमति नरेंद्र मोदी जी ने, सरकार ने प्रशासन को दी है और मिलिट्री को भी आदेश दिए कि आप लोगों को जैसे भी करना हो वैसे सिर्फ इनसे बदला लो। और बदले की भावना में पूरा देश आज यहाँ पे रास्ते पे उतरा है और मुझे लगता है आज ही जैसे निष्काम जी ने बताया, न्यूज में दिखा रहे हुर्रियत जो नेता है कश्मीर के, जो पाकिस्तान के दलाल हैं, उनकी आज से सिक्योरिटी और उनका खाना पीना और उनकी गाड़ियाँ जो सरकारी थी वो सभी छीन ली गई है। तो ये सरकार की एक पहल है, सरकार की शुरुआत है। जो शहीद हुए हैं उनके परिवार में जो आज परिस्थिति हुई है और उनके ऊपर जो दुख हुआ है वो ये सब करने से नहीं भर पाएगा। इन शहीद हो गए उसका गुस्सा पूरे भारत में हर समाज के लोग हर गली में आज गुस्सा निकाल रहे हैं। यहाँ पे मेरे से पहले सब बच्चे ने अपने अपने तरीके से बताया। मैं बोलना चाहता हूँ, आज सुबह यूट्यूब पे देखा लाहौर का, वहाँ पे भी आज मार्च निकला भारत के खिलाफ और उस पर यूट्यूब पे एक ऐसे देखा कि मतलब हर एक आदमी जो भाषण कर रहा था, क्या कश्मीर लेके रह गए, 40 मारे और मारे गए, उसको जो पाकिस्तान ने ऐसा बोला कि अभी तो कुछ नहीं, अभी हम मोदी को जलाएंगे। वो भड़े वो अभी आप अगर यूट्यूब चला देखते हो हमारा भी उनको जाना चाहिए। उन बड़ों को उनके खाने के वादे सारे लोग के पाकिस्तान के, पाकिस्तान को कितने कंट्री ने बैन किया,
और गलती से कभी गए भी तो चट्टी भी छोटी इतना उनकी चिटिंग होती है। और दुबे जैसे तो दुबे में जो हर भारतीय हर समाज का अपना रेंज है, एक भारतीयों को जो इज्जत है, जो पाकिस्तानी साला कोई दुकान में घुसेगा तो दो सिकट लगते उसके पीछे कि हम चोरी नहीं करें। इनकी औकात नहीं हमारे खाली इतने बड़े मजबूत भारत और हमारे देश के मजबूत प्रधानमंत्री को बोलते जलाएगी, तो ये वहाँ से जो निकल रही है और जलाएगी कैसे उनका कहना क्या वोटिंग में उसने पूछा कि टीवी के एंकर ने उनको रस्ते में कि कैसे जलाओगे, बोलते नहीं वोटिंग के वोट देख के, मतलब उनके फ्यूचर तक उनकी प्लानिंग मतलब ऐसे क्या इतने भरोसे से बोलते हैं कि उनको कि भारत में उनको कोई सपोर्ट करना बहुत बेटर है। तो मेरा एक ही कहना है कि आज मोदी जी जो हिसाब से भाषण किए उनके हर भाषण में एक दुख था, वो जब प्रधानमंत्री को 40 शहीद कर दिल्ली में लाए उसका जब उन्होंने प्रणाम किया दोनों घूमे आग से आंसू आया उनका, और उन्होंने बहुत जिम्मेदार से हर जगह भाषण दे रहे हैं क्या इसका बदला जरूर जाएगा, पाकिस्तान आपने वो बड़ी गलती की ये आपको भोगना पड़ेगा। कश्मीर में जो कुलगाम में हुआ है इसका हम लोग बहुत निषेध करते हैं। जय हिंद मित्र मंडल, पिछले 3 दिन से हम लोग सोच रहे हैं कि कब ये आक्रोश व्यक्त करें और हमारे कार्यकर्ता के सहयोग से आज ये निषेध का प्रोग्राम किया है। और हमारे भारतीयों को मैं विनती करता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान को पूरा ऑल ओवर विश्व सपोर्ट कर रहा है, एक चाइना छोड़ के, ये चाइना अपना नीच कमीन कुत्ते हरकत कर रहा है। और मैं हमारे भारतवासियों से विनती करता हूँ कि चाइना का सामान ना खरीदे, ठीक है अब तक हमने खरीदा लेकिन चाइना का इतना ताकत बढ़ गया है और वो सबसे आर्थिक पावरफुल होता है अपने ही इंडिया के फाइनेंस से। तो मैं अपने भारतीय को हमारे लोगों को मैं विनती करता हूँ कि चाइना का सामान जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। और यहाँ पे मैं हमारे आपके थ्रू एक हमारे पद्मनगर और भिवंडी के थ्रू नरेंद्र मोदी से मैं विनती भी करता हूँ कि आप तुरंत जल्द से जल्द कुछ एक्शन लें। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। साई नमो नमो से, मैं गणेश छिलका। सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को।